नए वर्ष में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्री बन्ना ने कहा कि कांग्रेस 50 वर्ष सत्ता में रही तो 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, लेकिन बीजेपी के 8 वर्ष में 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमत हो गई। वहीं महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद केंद्र और प्रदेश की भाजपा की सरकार के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि पहले कांग्रेस की लहर थी, फिर भाजपा और बसपा की हुई, अब पुनः कांग्रेस की लहर है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। श्री बन्ना ने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, लूट, मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश और देश भर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप खुद सुनिए भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने और क्या क्या कहा। 2018 में मिला, उन्होंने मुझको आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी, इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिल लीजिए, अगर वो अनुमति दे देंगे तो हम आपको पानी दे देंगे, हम आपके लिफ्ट इरिगेशन बना देंगे। मैं उनसे गया मिला, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन समय कम था मेरे पास, जिसके कारण वो बात अधूरी रह गई। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनकी अनुमति चाहिए थी और इनको देना था। 5 सालों में कुछ हुआ उसमें कि यथावत? हमने बताया ना कि ना आगे गया ना पीछे गया, यथावत हो रखा है हर चीजें। सिर्फ हम आंदोलन न करें, प्रदर्शन न करें, इसके लिए जरूर बता दिया जाता है कि ये सब सारी चीजें नहीं। तो पीला ना सही, पीला बनाने की बात करने की तरह पहला चुप ही नहीं रहा जा सकता, तो पड़ेगा। फरवरी लास्ट जनवरी नहीं, आंदोलन तो जिला के लिए, ऐसा थोड़ी है कि जिला हमने छोड़ दिया है। हम तो एक आंदोलन करेंगे तो सरकार चुप ये कहती है कि उनको आरोप वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष विधायक जो है तो आंदोलन कर इसलिए रुक जाता है। हम चाहते हैं जिला बने, मऊगंज का भला हो, उजड़े नहीं मऊगंज जिस तरह से उजाड़ा गया। रहने दीजिए, कैलाशपुर के लिए बिल्कुल, कैलाशपुर के लिए करेंगे। अब किया है कोई पहली बार तो अभी बताए ना, अब उसकी बारी आई गई है। आप लोगों के बुलाने का मतलब हमारा यही है कि अपने मुद्दे को मैं पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा, कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन के लिए करूँगा, आपके जिले के लिए करूँगा, सारी चीजों की लड़ाई लड़ूंगा, अब लड़ रहा हूँ। हमारा तो ये मुद्दे है, हमने तो बता दिया ना कि हमारे मुद्दे अधूरे रह गए, मैं चुनाव हार गया, स्वाभाविक है कि 5 साल पर्याप्त कोई चीजें नहीं होती, मैं नहीं कर पाया, जो काम किए थे वही आधा अधूरा रह गया, उन्हीं कामों में पतीला लगा लगा करके और सीधे पोत पोत करके अपना नाम लिखा जा रहा। हम कहते हैं कि जो अभी जीते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी बाढ़ सागर पानी की बात हो या और भी जो काम अधूरे थे उनको पूरे करें, वो नहीं हो पाया। हमारी तो प्राथमिकता है, मैं विधायक रहूं ना रहूं, लड़ूं ना लड़ूं, हर मुद्दे के लिए लड़ना और अपनी बात रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं करता रहूंगा।